नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल आरके एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको SSC स्टोनोग्राफर, अगर आपने ग्रुप सी और डी के लिए अप्लाई किया है, स्टोनोग्राफर ग्रुप सी और डी के लिए किसी के लिए भी आपने अप्लाई किया है तो आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए कि हमारा स्टेटस कम्प्लीट है या अनकम्प्लीट है। अगर कम्प्लीट नहीं है तो आप डबल पेमेंट करके अपना स्टेटस जो है कम्प्लीट करा सकते हैं। नहीं तो आपका अगर एक बार पेमेंट हो गया है तो दोस्त आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना है। आपका फार्म जो है इनकम्प्लीट बता रहा है या पेंडिंग बता रहा है तो आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना है। अगर आप एक बार पेमेंट कर दिए हो और आपका पेमेंट कट गया है तो आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव चल के SSC की ऑफिशियल साइट पर आपको ले चल के उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि आपको कैसे करना है और अपना एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है कि कंप्लीट है या अनकंप्लीट है। तो आपको सर्वप्रथम आना है मोबाइल स्क्रीन में, उसके बाद आने के बाद आपको किसी भी गूगल क्रोम ब्राउज़र में SSC डालकर सर्च कर लेना है। जैसे आप SSC डाल के सर्च करोगे दोस्त, तो इसकी जो ऑफिशियल साइट होती है SSC के द्वारा, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इसकी ऑफिशियल साइट है, आपको वहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आने के बाद आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो दोस्त, तो आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ से SSC के बहुत सारे फार्म फिल किए जाते हैं, जितने भी फार्म होते हैं। तो आपको इसे डेस्कटॉप मोड साइड में ओपन कर लेना है, जिससे कि आपको कंप्यूटर की तरह जो है आपकी स्क्रीन जो है कंप्यूटर की तरह दिखाई दे। तो कुछ इस प्रकार से आपको कंप्यूटर की तरह दिखाई देगा। तो आपको लेटेस्ट न्यूज़ में, अगर आप कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो आपको लेटेस्ट न्यूज़ में आना है। आपको लेटेस्ट न्यूज़ में आने के बाद आपको जो है यहाँ से देख लेना है, नहीं तो आपको लॉगिन करना है। तो हमें चेक करना है एप्लीकेशन स्टेटस स्टोनोग्राफर का, तो हमें जो है यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको फिल कर देना है, उसके बाद पासवर्ड फिल कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको लॉगिन बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हो तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप जितने भी फार्म फिल किए होंगे इन सभी को आपको दिखाई देगा। उसके बाद जितने भी फार्म चल रहे होंगे वर्तमान में अप्लाई करने के लिए, तो आपको यहाँ पर उसका भी ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ सेकेंड नंबर पर आपको SSC स्टोनोग्राफर सी और डी एग्जामिनेशन 2022 का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर स्टोनोग्राफर ग्रुप सी और डी के लिए आपने अप्लाई किया होगा दोस्त, तो आपको आना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, नोटिफिकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस, उसके बाद डबल वेरीफिकेशन पेमेंट वेरीफिकेशन, उसके बाद पेमेंट, उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा, तो एप्लीकेशन स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे देखिए दोस्त, यहाँ हमारा इनकम्प्लीट बता रहा है, आपका पेंडिंग बता रहा होगा, तो आपको देख लेना दोस्त आपका इनकम्प्लीट बता रहा है या पेंडिंग बता रहा है। अगर आपका इनकम्प्लीट बता रहा है तो आपने अभी अभी पेमेंट किया होगा तो आपका इनकम्प्लीट बताएगा। उसके बाद आपका पेमेंट के 48 घंटे बाद आपका जो पेमेंट है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है फार्म जो है एप्लीकेशन फार्म जो है कम्प्लीट बताने लगेगा। तो आपको इसी प्रकार कुछ चेक कर लेना है दोस्त। तो अपना चेक करने के बाद यहाँ पर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो इसी प्रकार यहाँ आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। नहीं तो यहाँ आपको पेमेंट स्टेटस चेक करना है, आप अगर पेमेंट कर चुके हैं तो आपको पेमेंट स्टेटस भी चेक करना है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पेमेंट स्टेटस का, तो आप पेमेंट स्टेटस भी अपना चेक कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में बताने का मकसद एक था कि दोस्त कि आप अपना जो है अपना SSC स्टोनोग्राफर का जो अप्लाई किए हैं तो उसका स्टेटस इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्त कि आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू दोस्तों।